आज हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3.33। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल अभिसारी है और इसका जो लिमिट है xn का ये 2 और 3 के मध्य है। ठीक है, देखिए इसको हमें करना है। सबसे पहला तो हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी है। अभिसारी के लिए आप जांच करेंगे सबसे पहले एकदिष्ट वर्धमान या ह्रासमान होने की। तो एकदिष्ट वर्धमान या ह्रासमान की जांच हम लोग करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से करोगे। भाई सबसे पहले तो हम पहला पद देख लेते हैं, इसमें एक्स वन। तो आप लोग यहां देख पाएंगे कि जो इसका एनवा पद है एक्स एन, ये वन अप वन से लेकर के वन अपॉन एन फैक्टोरियल तक है। इसलिए जो पहला पद आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे वन से लेकर के वन अपॉन वन फैक्टोरियल तक। तो पहला पद आएगा वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा टू। इसके बाद में हम दूसरा पद देखेंगे एक्स टू इक्वल टू। तो दूसरे पद को क्या करोगे आप लोग, वन से लेकर के वन अपॉन टू फैक्टोरियल तक लिख देंगे। तभी आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इक्वल टू, तो यह आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू। इसको कर दोगे यह आ जाएगा फाइव बाई टू। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो छोटा है पांच बटा दो से, तो टू लेस देन फाइव बाई टू यानी कि एक्स वन लेस देन एक्स टू। तो इन दो पदों से तो अगर अपन देखें तो अनुक्रम जो है हमें वर्धमान दिखता है, लेकिन केवल दो पद इन दो पदों की वजह से आप लोग नहीं कह सकते। तो हम एन प्लस वन वा पद ज्ञात करेंगे एक बार। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, देखो जैसे एन वा पद वन से लेके वन अपॉन एन फैक्टोरियल तक लिखते हैं, इसी प्रकार से एन प्लस वन वा जो पद है वो कैसे लिखोगे, वन से लेकर वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल तक। तो लिखिए तो आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल के बाद वाला जो पद है। ठीक है, और अब दोनों को घटा लेंगे हम लोग। घटा लेंगे तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, देखिएगा जैसे ही घटाओगे आप लोग क्या पाएंगे, वन से लेके वन अपॉन एन फैक्टोरियल तक ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये एक पद आपके पास में बचेगा वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, और जिसको आप देख सकते हैं धनात्मक है यानी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। और दोनों पक्षों में अगर एक्स एन जोड़ दिया जाएगा तो एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। और इस डेफिनेशन से आप देख सकते हैं एक्स एन प्लस वन बड़ा होने का मतलब अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है। इसलिए अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान है। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान है। ठीक है ना भाई, ये जो अनुक्रम है एकदिष्ट वर्धमान है। तो वर्धमान आपने कर दिया, इसके बाद में हम जांच करेंगे परिबद्ध होने की। तो जैसे ही अनुक्रम वर्धमान होता है तो आप जानते हैं कि उसका जो पहला पद होता है वो सबसे छोटा होता है, इसलिए अनुक्रम का जो न्यूनतम मान है वो पहला पद ही होगा। पहला पद आप देख चुके कितना है, दो। इसका मतलब अनुक्रम का जो न्यूनतम मान है दो हो जाएगा। अब हम अधिकतम मान की चर्चा कर लेते हैं। अधिकतम मान क्या होगा देखिए भाई, ये तो आप लोग जानते ही कि जो तीन फैक्टोरियल होते हैं उसको आप ऐसे लिखते हैं तीन इंटू दो। और अगर मैं दो इंटू दो लिख दूं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ग्रेटर देन होगा, यानी कि थ्री फैक्टोरियल ग्रेटर देन दो इंटू दो को आप लिख सकते हैं दो की घात दो। इसी प्रकार से चार फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लिखेंगे चार तीन दो, जो कि बड़ा होगा दो इंटू दो से, यानी कि फोर फैक्टोरियल ग्रेटर देन टू की पावर थ्री। तो इसमें भी देखिए इसका व्युत्क्रम अगर कर लेंगे तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल लेस देन वन अपॉन टू की पावर टू। इसी प्रकार से यहां से वन अपॉन फोर फैक्टोरियल लेस देन वन अपॉन टू की पावर थ्री। जैसे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करते हैं तो एसएमई का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है।
इसी प्रकार से व्यापक रूप में अगर हम लोग लिख दें, बताइए जो 1 अपॉन एन फैक्टोरियल है ये लेस देन हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 से। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 2 की पावर 2 है, 4 फैक्टोरियल है 2 की पावर 3 है, तो एन फैक्टोरियल होगा तो 2 की पावर एन माइनस 1। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 1 अपॉन फैक्टोरियल लेस देन है 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 से। तो अब एक्स एन को देखिए, अब जो एक्स एन था ये अपने पास में इस प्रकार से था 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं एक दूसरी श्रेणी लिख रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन 1, इसका 1 इसका जो वैल्यू है 1 ही होगा इसलिए मैंने इसको 1 ही लिख दिया है, और 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जो है इसका मान 1/2 ही मैंने लिख दिया है। इसके बाद वाला जो पद है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल उसके स्थान पर मैंने लिख दिया है 1 अपॉन 2 की पावर 2, और ऐसा 1 अपॉन n फैक्टोरियल के स्थान पर मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। तो बताइए दोनों के बीच में चिन्ह क्या आ जाएगा, लेस देन, देख सकते हैं आप यहां से भाई ये जो तीन पद हैं ये तो आपने एज इट इज लिखे हैं, इन तीन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे इससे अगले वाले पद की आप बात करेंगे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल की, तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल लेस देन 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो यहां पर क्या आएगा लेस देन, क्योंकि इससे आगे वाले जो भी पद है सबके लिए क्या आएगा लेस देन, इसलिए आप चिन्ह यहां लगा देंगे लेस देन। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एन लेस देन 1 प्लस, ये देखिएगा ये आपके पास में कि गुणोत्तर श्रेणी बन गई, तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है एस एन ये होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो ए का मतलब पहला पद कितना आ गया 1 डॉट 1 माइनस आर की पावर एन, तो आर मतलब सार्वानुपात कितना है यहां पर 1/2 और इसकी पावर एन बटा 1 माइनस आर यानी एक्स माइनस 1/2। तो एक्स एन लेस देन 1 प्लस 1 डॉट कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा तो यहां 2 आ जाएगा, तो अंदर से आपके पास में बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, n के प्रत्येक मान के लिए सही हो, देन एक्स एन लेस देन 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो आ जाएगा 2 माइनस 2 को आप लोग जैसे ही 1 अपॉन 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो एक्स एन लेस देन एक्स एन लेस देन 1 प्लस 2 हो गया 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, तो एक्स एन लेस देन, अब देखिएगा एक्स एन लेस देन था 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 से, यानी इससे छोटा था, और ये वाला जो वैल्यू है इसको आप लोग देख सकते हैं इसका जो मान है 3 से छोटा होगा, तो एक्स एन लेस देन 3 फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। और अब हम लोग क्या देख सकते हैं यहां से, देखिए भाई अधिकतम मान आपको मिल गया कि 3 से बड़ा नहीं हो पाएगा, न्यूनतम मान आपको पहले से पता है 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्स एन है ये 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब अनुक्रम कैसा है परिबद्ध है, तो इसलिए अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, तो अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, परिबद्ध है तो इसका जो लिमिट होगा वो भी कर दीजिए क्या है, तो लिमिट आप लोग जैसे करेंगे तो 2 तो अचर है तो एज इट ही जाइएगा, लिमिट एक्स एन लेस देन 3 भी कॉन्स्टेंट है इसलिए एज इट इज हो जाएगा, तो इसका जो लिमिट है 2 और 3 के बीच में होगा। तो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 36।
धनात्मक पदों की एक अनुक्रम एक्स एन निम्न प्रकार से परिभाषित है। ये इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल टू है थ्री प्लस टू एक्स एन बटा टू प्लस एक्स एन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। तो प्रदर्शित करिए कि अनुक्रम कैसे स्वतंत्र एक सीमा को अभिसृत होती है एवं इसकी सीमा ज्ञात करिए। तो देखते हैं, देखिएगा। अब देखो, आपको दिया गया धनात्मक पदों का एक अनुक्रम है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम ये जो आपको डेफिनेशन दिया गया है इसकी सहायता से आप पहला पद ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब पहला पद यहां से आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो पहला पद जो है, मान लीजिए जो पहला पद है x1 उसको k मान लिया, k कोई भी धनात्मक राशि हो सकती है क्योंकि ये तो आपको दिया ही है कि जो अनुक्रम वो धनात्मक पदों का है, यानी कि पहला पद जो है वो भी धनात्मक ही होगा, इसलिए हमने पहले पद को क्या मान लिया है, k मान लिया है, ग्रेटर देन जीरो यानी धनात्मक है। और अब एक्स एन प्लस वन जो है ये आपके पास में इस प्रकार से है थ्री प्लस टू एक्स एन बटा टू प्लस एक्स एन। अब इसकी सहायता से आप लोग दूसरा पद ज्ञात कर लीजिए। पर दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो इसमें एन का वैल्यू वन कर दीजिए, एन का वैल्यू वन करेंगे तो एक्स टू इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स वन बटा टू प्लस एक्स वन, देन एक्स टू इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स वन का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि के है बटा टू प्लस के। ये आपके पास में एक्स टू आ गया, अब ज्ञात कर लीजिए एक्स थ्री। तो तीसरा पद जब हम ज्ञात करेंगे एक्स थ्री इक्वल टू, तो एक्स थ्री ज्ञात करने के लिए आप इसमें एन का वैल्यू दो कर देंगे, एन का वैल्यू जैसे ही दो करेंगे तो आ जाएगा थ्री प्लस टू एक्स टू बटा टू प्लस एक्स टू, ठीक है। ये अपने पास में आ गया एक्स थ्री, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों पद आपको मिल गए। अब दो दो पदों का अंतर करके हम लोग जांच करेंगे कि वर्तमान होगा या हर्षमान। तो एक बार तो x2 और x1 का अंतर करते हैं, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू x2, तो अपने पास में आ गया 3 प्लस 2 के और बटा 2 प्लस k माइनस x1, तो x1 अपने पास में आ गया k, तो k इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू एलसीएम बन जाएगा 2 प्लस के, तो 2 प्लस के जब एलसीएम बनेगा यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस 2 के माइनस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के माइनस के स्क्वायर और 2 के हो जाएगा कैंसिल। तो अब एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू 3 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के, या आपने एक्स टू माइनस एक्स वन याद कर लिया। इसके बाद में अब देखो यहां से हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि x2 माइनस x1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा k के मान के ऊपर। इसलिए हम क्या करेंगे, एक अंतर और ज्ञात करेंगे x3 माइनस x2। तो अगला अंतर अगर हम देखें तो x3 माइनस x2 इक्वल टू x3 अपने पास में आ गया x3, अच्छा इसको थोड़ा हल करना है, एक बार 3 प्लस 2 एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू पुट करिएगा, ये एक्स टू है इसको मैं 200 मल्टीप्लाई करके लिख दूं अगर, तो ये आपके पास में क्या जाएगा भाई 3 प्लस, इसको 200 मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो जाएगा 6 प्लस 4 के अपॉन 2 प्लस के और बटा 2 प्लस एक्स टू, तो एक्स टू को लिख देंगे तो 3 प्लस 2 के और बटा में आ जाएगा 2 प्लस के इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 2 प्लस के है तो 2 प्लस के तो कैंसिल आपके पास में हो जाएगा और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर 6 प्लस 3 के प्लस 6 प्लस 4 के अपॉन 4 प्लस 2 के प्लस 3 प्लस 2 के इक्वल टू 6 प्लस 6 12 प्लस 3 प्लस 4 7 के अपॉन 4 प्लस 3 7 और प्लस 2 के प्लस 2 के 4 के, ठीक है। ये अपने पास में x3 आ गया।
तो अब x2 माइनस x1 कर रहे थे अपन, वो तो कर ही चुके अपन x2 माइनस x1, तो अब x3 माइनस x2 हम लोग करेंगे, तो x3 माइनस x2 इक्वल टू, अब x3 आपने ज्ञात कर लिया है, ये रहा 12 प्लस 7 के अपॉन 7 प्लस 4 के माइनस x2, तो x2 को भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 आपके पास में ये रहा 3 प्लस 2 के थ्री प्लस टू के अपॉन टू प्लस के, अब एक्स थ्री माइनस एक्स टू को देखे अगर, तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू इक्वल टू ये आपके पास में आ जाएगा, एलसीएम दोनों का हो जाएगा सेवन प्लस फोर के टू प्लस के, तो ये एलसीएम हो जाएगा सेवन प्लस फोर के और इंटू टू प्लस के, और ये जब एलसीएम बना यहां से सेवन प्लस फोर के कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा 24 प्लस फिर हो जाएगा 12 के, इसके बाद में आपके पास बनेगा 14 के, तो प्लस 14 के और माइनस सॉरी प्लस ये आएगा 7 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 21 माइनस फिर हो जाएगा 14 के, फिर इसके बाद में आपके पास में जाएगा 12 के और फिर आपके पास आएगा माइनस 8 के स्क्वायर, माइनस 8 के स्क्वायर, देन एक्स थ्री माइनस एक्स टू इक्वल टू, अब ये देखो इसको करने पर क्या बनता है, एक बार तो कांस्टेंट को देख लेते हैं, 24 माइनस 21 ये तो 3 हो जाएगा, और के देखिएगा ये प्लस के 12 ये माइनस के 12 कैंसिल, प्लस के 14 और ये माइनस के 14, और के स्क्वायर को अगर देखिए तो 7 माइनस 8 माइनस के स्क्वायर आपके पास बचेगा, और बटा में जाएगा 7 प्लस 4 के इंटू 2 प्लस के, ये हमने ज्ञात किया एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और अब देखना भाई ये आपने ज्ञात किया था x2 माइनस x1, ये आपने ज्ञात किया x3 माइनस x2, दोनों में एक चीज तो कॉमन है भाई, अपने को ये तो नहीं पता चल पा रहा कि जो x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या कि दोनों का जो चिन्ह है वो डिपेंड करेगा 3 माइनस के स्क्वायर पर, क्योंकि बटा में तो हर है, हर तो दोनों में देखो धनात्मक है, बात करेंगे केवल अंश की, दोनों में सेम है 3 माइनस के स्क्वायर, तो अगर 3 माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव है तो x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव है और x3 माइनस x2 भी पॉजिटिव है, और यदि 3 माइनस के स्क्वायर नेगेटिव है तब x2 माइनस x1 भी नेगेटिव होगा और x3 माइनस x2 भी नेगेटिव होगा, अब यहां में पता नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसलिए हम दोनों स्थितियों के लिए इसको हल करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेकर भी हल करेंगे और एक बार इसको नेगेटिव लेकर भी हल करेंगे, तो यहां दो स्थितियां संभव है, या दो स्थितियां संभव है, अब दो स्थितियां संभव है इसलिए दोनों स्थितियों को लेकर के हम लोग हल करेंगे, पहली स्थिति हम लोग कर रहे हैं और इस पहली स्थिति में मान लिया कि सपोज के जो 3 माइनस के स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यदि 3 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अब 3 माइनस के स्क्वायर को अगर धनात्मक ले लिया हमने, ग्रेटर देन 0 ले लिया तो क्या बनेगा देखिएगा, एक बार इसके दोनों पक्षों में अगर के स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3 ग्रेटर देन के स्क्वायर, या ऐसा कह सकते हैं कि के स्क्वायर लेस देन 3, और वर्गमूल अगर कर लें तो के लेस देन रूट 3, ठीक है, क्योंकि के का मान धनात्मक ही है, तो के लेस देन आपको मिल जाएगा रूट 3, के लेस देन रूट 3 आ गया, तो अब चेक करते हैं, इसलिए जो x2 माइनस x1 है, देखो x2 माइनस x1 का जो चिन्ह है अभी हमने देखा वो डिपेंड करता है 3 माइनस के स्क्वायर पर, 3 माइनस के स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव होगा, और 3 माइनस के स्क्वायर नेगेटिव है तो x2 माइनस x1 भी नेगेटिव होगा, इसलिए अब आप देख चुके हैं कि 3 माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0,
और तथा जो x3 माइनस x2 है वो भी 3 माइनस के स्क्वायर ही था, इसलिए x3 माइनस x2 भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1 तथा इसका मतलब आप जानते हैं x3 ग्रेटर देन x2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 लेस देन x2 तथा इसका मतलब अपन लिख सकते हैं x2 लेस देन x3, और दोनों को एक साथ चिपका के अगर लिख देंगे तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3, यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं n का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं अनुक्रम का जो पद है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन केवल तीन पदों की सहायता से हम इसको वर्तमान नहीं कह सकते, तो इसको वर्तमान करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में सबसे पहले आप लोग वन के लिए जांच करते हैं, तो हम वन टू थ्री के लिए इसकी जांच कर चुके हैं। अब मान लिया कि बीच में आर के एल के किसी मान के लिए स्टेटमेंट सत्य होगा आपका, तो मान लीजिए कि सपोज एक्स आर माइनस वन लेस देन है एक्स आर से, तो अब अगर हम सिद्ध कर दें कि एक्स आर लेस देन एक्स आर प्लस वन तो वर्तमान हो जाएगा। तो देखिए भाई एक्स आर माइनस वन लेस देन एक्स आर लिखा है आपने, इसका मतलब आप जानते हैं कि एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर लेस देन जीरो होगा, और अब अपने को जो इसकी जांच करनी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अपने को क्या करना है, एक्स आर लेस देन एक्स आर प्लस वन प्रूव करना है, तो इनका दोनों का अंतर अपन लोग कर लेंगे एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन, तो दोनों को लिख लीजिएगा और दोनों का अंतर कर लीजिए। तो एक्स आर को लिखेंगे, देखो एक्स एन प्लस वन को आप ऐसा लिखते हैं, इसलिए एक्स आर को अपन लिखेंगे यहां से थ्री प्लस टू। अब देखो जब एन प्लस वन है तो एक्स एन लिखा है आपने, तो जब आर है तो हम लिखेंगे आर माइनस वन, तो आ जाएगा एक्स आर माइनस वन बटा टू प्लस एक्स आर माइनस वन, और माइनस कर दीजिए इसमें एक्स आर प्लस वन को, एक्स आर प्लस वन यहां से लिख दीजिएगा थ्री प्लस टू एक्स आर और बटा टू प्लस एक्स आर इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा टू प्लस एक्स आर माइनस वन टू प्लस एक्स आर। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो थ्री प्लस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से आएगा थ्री प्लस टू एक्स आर माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में जाएगा टू प्लस एक्स आर माइनस थ्री प्लस टू एक्स आर, और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला जाएगा टू प्लस एक्स आर माइनस वन, टू प्लस एक्स आर माइनस वन इक्वल टू। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री एक्स आर प्लस फोर एक्स आर माइनस वन प्लस टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर और माइनस, ये आपके पास में इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा सबसे पहले सिक्स प्लस फोर एक्स आर, फिर आ जाएगा प्लस थ्री एक्स आर माइनस वन, और फिर आ जाएगा प्लस टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर बटा टू प्लस एक्स आर माइनस वन टू प्लस एक्स आर, ये अंतर हमने ज्ञात कर लिया है दोनों को। अब देखिए इसको एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन इक्वल टू, ये प्लस का सिक्स है ये माइनस सिक्स है, कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स आर को अगर हम देखें तो ये प्लस के तीन है ये माइनस के चार है, तो आपके पास बचेगा यहां माइनस एक्स आर, एक्स आर माइनस वन को देखिए प्लस के चार और माइनस तीन, बचेगा आपके पास में प्लस एक्स आर माइनस वन, और इसके अलावा ये प्लस के दो है और ये माइनस के दो होंगे कैंसिल हो जाएगा, और बटा बटा में आपके पास है टू प्लस एक्स आर माइनस वन इंटू टू प्लस एक्स आर, ठीक है। और अब यहां से देखिए आप लोग देख चुके हैं कि जो एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर है ये लेस देन जीरो है, तो ये आपके पास में है लेस देन जीरो,
यानी कि एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से। देखो भाई, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि आपने जब एक दो तीन के लिए जांच करी, आपको वर्तमान दिख रहा है, फिर आपने ये मान लिया, और जब ये माना तो फिर ये वाली बात सत्य आ गई, यानी कि एक्स आर लेस देन एक्स आर प्लस वन आ गया। इसका मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन क्या कहेंगे कि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब अनुक्रम एक्स एन एग्जिस्ट वर्तमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन एग्जिस्ट वर्तमान है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन एग्जिस्ट वर्तमान है, ठीक है। तो एग्जिस्ट वर्तमान आ गया। अब जांच करेंगे अपन परिबद्ध की। अब वर्तमान आते ही आप जानते हैं कि इसका जो पहला पद होता है वो सबसे छोटा होता है, और पहला पद आप देख चुके हैं इसका कितना है k, यानी अनुक्रम का जो न्यूनतम मान है वो हो जाएगा k, ठीक है। तो न्यूनतम मान k हो गया, तो चूंकि एक्स एन ग्रेटर इक्वल हो जाएगा k फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। अब इसके अधिकतम मान की और हम बात कर लेते हैं कि इस अनुक्रम का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका अधिकतम मान देखते हैं, देखो क्या होगा कि जो एक्स एन प्लस वन है ये बराबर था आपके पास में थ्री प्लस टू एक्स एन बटा टू प्लस एक्स एन के। इसको हल करिए, इसके साथ में हम वन जोड़ देंगे और वन घटा देंगे। आप जैसे एक जोड़ेंगे तो तीन और एक हो जाएगा चार प्लस टू एक्स एन, और एक आपने घटा दिया तो ये लीजिए माइनस एक बटा टू प्लस एक्स एन। अब इनको अलग अलग कर दीजिएगा दोनों को, तो देखो इसको तो अलग कर देंगे और इनमें से दोनों में से आप लोग देख सकते हैं दो आ जाएगा कॉमन, दो कॉमन लेने के बाद बचेगा टू प्लस एक्स एन, और ये बटा में आपने कर दिया टू प्लस एक्स एन, और ये माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स एन, ये टू प्लस एक्स एन हो जाएगा कैंसिल। तो जो एक्स एन प्लस वन है ये आपके पास आ जाएगा टू माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स एन, और इस ये जो राशि है इसको आप लिख देख सकते हैं, इसका जो मान होगा दो से छोटा होगा, क्योंकि दो में से माइनस कर रहे हैं आप लोग किसी भी राशि को, तो दो में से चाहे कितनी छोटी से छोटी राशि घटा दीजिए आपको वो जो रिजल्ट आपको मिलेगा दो से छोटा ही मिलेगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा लेस देन टू फॉर इच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब आपने क्या देखा कि न्यूनतम मान इसका के था और अधिकतम मान कितना आ गया दो। इसको मैं अगर लिख दूं तो k लेस देन एक्स एन लेस देन टू फॉर इच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान हमने, इसका मतलब अनुक्रम परिबद्ध है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, ठीक है। तो एक दिष्ट वर्तमान हो गया, परिबद्ध हो गया, इसका मतलब अनुक्रम एक्स एन अभिशारी है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिशारी है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिशारी है, ठीक है। तो अनुक्रम हो गया अभिशारी, पहली कंडीशन में अनुक्रम अभिशारी हो गया। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी कंडीशन की, तो स्थिति नंबर सेकंड। देखो पहली कंडीशन में हमने क्या किया था, थ्री माइनस के स्क्वायर को ग्रेटर देन जीरो लेकर के हल किया है। अब दूसरी कंडीशन में हम थ्री माइनस के स्क्वायर को ले लेंगे लेस देन जीरो। तो यदि थ्री माइनस के स्क्वायर लेस देन जीरो, इसका मतलब थ्री लेस देन के स्क्वायर, अगर के स्क्वायर जोड़ देंगे आप दोनों पक्षों में, तो या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि के स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री
दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल कर दें तो k ग्रेटर देन रूट थ्री, धनात्मक ही लिखना क्योंकि हमें दिया गया कि अनुक्रम जो है धनात्मक पदों का अनुक्रम है, इसलिए के धनात्मक है, तो k ग्रेटर देन रूट थ्री आपको मिल गया। अब देखिए जो x2 माइनस x1 था उसका जो चिन्ह डिपेंड कर रहा था 3 माइनस के स्क्वायर पर, और 3 माइनस के स्क्वायर आप देख चुके नेगेटिव है, इसका मतलब जो x2 माइनस x1 है ये भी यहां पर क्या होगा नेगेटिव, और जो x3 माइनस x2 था उसका चिन्ह भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा था 3 माइनस के स्क्वायर पर ही, इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये x3 माइनस x2 ये भी क्या होगा फिर नेगेटिव। इसका मतलब आप जानते हैं कि x2 लेस देन x1 तथा इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं कि x3 लेस देन x2, और दोनों को चिपका के अगर मैं एक साथ लिख देता हूं तो आप इस पर ऐसा लिख सकते हैं x1 लेस देन x2 लेस देन x3, ये दोनों को जब चिपका के एक साथ लिख रहे हैं तो ये लेस देन नहीं, ये ग्रेटर देन ना, x1 ग्रेटर देन x2 और फिर x2 ग्रेटर देन x3, ठीक है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, पहला पद दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, या आप कह सकते हैं कि n का मान बढ़ाने पर x n का मान घटता जा रहा है, तो आसमान की दिशा में बढ़ रहा है अनुक्रम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा अब इसको केवल तीन पदों से तो आप कह नहीं सकते, अब इसको हल हम वैसे ही करते हैं जैसे पहली कंडीशन में करी थी, तो अब इसको दोबारा से हल करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, जैसे उसमें लिखा था उसको हल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हल करने की प्रोसेस है। तो माना इसके बाद में ऐसा ही किया था ना, एक्स आर माइनस वन वहां पर लेस देन एक्स आर था इसलिए लेस देन एक्स आर लिखा था, अब यहां पर ग्रेटर देन आएगा एक्स आर, और इसको लेकर के जैसे पहली कंडीशन में हमने हल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से अगर इसको हल करते हैं आप लोग तब आपको ये मिलता है कि एक्स आर ग्रेटर देन एक्स आर प्लस वन, और ऐसा जब मिल जाएगा इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब अनुक्रम कैसा हुआ बच्चों, एग्जिस्ट वर्गमान, इसलिए अनुक्रम एक्स एन, इसलिए अनुक्रम एक्स एन एक दिस्ट सॉरी हासमान है वर्धमान नहीं, क्योंकि मान घट रहा है ना यहां पर, एक दिस्ट हासमान है तो अनुक्रम आ गया एक दिस्ट हासमान। इसके बाद में परिबद्ध की जांच और कर लीजिएगा। अब परिबद्ध की जांच कैसे करेंगे, देखो भाई आसमान हुआ, हासमान का मतलब क्या हुआ कि एन का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप लोग तो एक्स एन का मान घटता जाएगा, घटने का मतलब यह हुआ कि जो पहला पद है